बीटीसी हैव इट्स ओन ब्लॉकचेन, यानी कि बीटीसी जब आया था उसके थ्रू ब्लॉकचेन। अब आप कहेंगे ब्लॉकचेन क्या होती है? सर ब्लॉकचेन एक ऐसा पार्ट होता है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस देता है, उसको बोलते हैं हैश। हैश का मतलब क्या आता है? तो मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया था वो गलत हो गया, सपोज अगर वो सेंट्रलाइज करेंसी में हुआ होता तो आप उसको डिलीट करवा देते। आप बैंक वाले के किसी फ्रेंड को बोलते यार हटा देना है, बदल दे। बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे जो चीज़ें रिकॉर्ड में चली गई उसको आप एडिट नहीं कर सकते, वो वहीं पे एग्जिस्ट करेगी। आप उस ट्रांजेक्शन को रिपीट तो कर सकते हो बट एक अलग हैश रेट के साथ, एक अलग हैश नंबर के साथ। तो ये जो चीज़ होती है, अब आप बोल रहे हैं कंपनी क्यों नहीं है? सर कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि एक सिस्टम है, आपकी करेंसी हवा में होती है सर, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। एक करेंसी अगर एक देश से दूसरे देश में जा रही है तो उसको पता या तो आपको रहेगा या उस ब्लॉकचेन वाले को रहेगा या रिसीवर को रहेगा। इवन गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी टू चेक योर ट्रांजेक्शन, और यही वजह रहती है कि गवर्नमेंट इसको अपोज करती है। अपोज क्यों करती है? क्योंकि यह अकेली करेंसी होती है क्रिप्टो, जिसमें आप पी टू पी संदर्भ भी बोल रहा था। पी टू पी क्या होता है पहले मैं ये पता होगा सर, हम दो तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं। एक होता है बैंक वायर से, आपको मुझे गूगल पे कर दिया, मैंने आपको गूगल पे कर दिया। बट एक एक सिस्टम और भी है वर्ल्ड ओवर चल रहा है, इसमें आप लोगों को नहीं पता, जैसे पी टू पी। पी टू पी स्टैंड फॉर पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन। अब आप कहेंगे सर हमारे इंडिया में इसकी क्या अनुसार? सर पता क्या होता है, मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं मुझे ट्रांजेक्शन करना है, रुपये नहीं करना है, गवर्नमेंट बोलते सर हम तो नहीं करेंगे। हो सकती है सर मर्जी उसकी तरफ से भाई। तब क्या होता है सर? तब ये होता है सर, प्रणाम क्या जोगिंदर, मैंने जोगिंदर जी को बोला जोगिंदर जी आपके पास डॉलर पड़े? उन्होंने बोला हाँ पड़े। तो मैं कह मैं गूगल पे कर रहा हूँ, मुझे 10 डॉलर मिल गया मेरी जॉब के। हो सकता है सर? सर एक बात बताएंगे, अगर ऐसा हो सकता है तो करेंसी नहीं हुई क्या? वो कंपनी कहाँ से हुई? जिस करेंसी को आप करेंसी बोल रहे हो वो वैलिड भी है, ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। आप यूटिलिटी बात ने पूछा था, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी ये होती है सर जब आपको कोई चीज़ बताई जाती है रोड मैप की फॉर्मेट। अब आप कहेंगे रोड मैप सर मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं किया ना, आपको डिटेल कर देता हूँ। रोड मैप क्या होता है? मैंने आपको बोला सर मैं आपको 1.5 साल के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ कि 1.5 साल के लिए आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। सर मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूँ? आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। सर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जो रोड मैप दिया है, सॉरी पेनिसियल एक सेकेंडरी जरूरत होता है, बट वो आपके लिए कंपनी के लिए नहीं है। कंपनी आपको क्यों बोल रही है स्टैक करने के लिए? सर मैंने आपको टाइम दिया, मैं एटीएम लेके आऊँगा, मैं टाइप करूँगा, मैं मल्टी यूटिलिटी ऐप लेके आऊँगा, आप बिल भर पाएंगे, एक्सचेंजेस पे आएंगे, ठीक है, इस ऐप लेके आएंगे। क्या इसके लिए टाइम नहीं लगेगा सर? उसके लिए मिनिमम टाइम तो चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, 18 महीने के लिए आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, इसको स्टैकिंग बोनस। तो ये स्टैकिंग बोनस क्या होता है? स्टैकिंग बोनस होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप हमारे को शेयर करते हैं 1.5 साल के लिए 36 महीने की 48 महीने की, तब आपको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिलेगा। तो उससे होगा क्या सर? आप जितना बड़ा स्टैक करेंगे ट्राई का ही आएगा, बट आप उस ग्रोथ के भी हिस्से बन जाएंगे जो तो आपने सोचा भी होगा। अब आपको सीधे सीधे बता देता हूँ मैंने क्या किया सर। मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 24,000 रुपीज़ का 2020 जून में, मेरे पास स्टैकिंग थी $100 की। बाद में जब मैंने स्टडी किया इसको यूट्यूब पे, मैंने तो 300 कर दिया, 24,000 राउंड अप इतना ही होता है सर। जनवरी में मेरा अभी लास्ट अभी गया जनवरी, वहाँ पे मैंने विड्रॉल किया है, आप शायद हैरत में पड़ जाएंगे, और 24,000 के मैंने 5,80,000 पे विड्रॉल किया। उसका नाम है सर लग्जरी प्रो नेटवर्क, सर उसका मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, ठीक है, और इन फ्यूचर यहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ सर, ठीक है। तो आपसे ये बात सुनना, सिर्फ क्वेश्चन मत करिए, स्टडी भी करिए, ठीक है सर। कोई भी चीज़ जब आती है वो अपना रोड मैप लेके आती है। रोड मैप का मतलब क्या होता है? वो आपको बताते हैं सर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, अरे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो डिमांड आएगी, तो डिमांड आएगी तभी तो उसका यूज होगा। अभी एक बार हम लोग छोटी सी एलपीएनजी 2 मिनट का ले लें, लग्जरी प्रो नेटवर्क ने क्या किया, जब वो आई थी हरियाणा के अंदर, वैसे हर स्टेट में आई, 150 देशों में सेटलमेंट हो ही गई, वो साल भर में अपना मल्टी यूटिलिटी ऐप लेके आ गए। आप रिचार्ज कर रहे हो, बिल भर रहे हो, ठीक है, आप इधर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका ये रेट भी ब्लॉकचेन पे चलता था, बट अभी रिसेंटली वो लोग बैक पे आते हैं।
बटर डिस्टेंस की अब बात कर रहे हो, वो डे वन से बैक पे है सर। आप सोचिए, आपने आज तक जो आपका ट्रांसफर कर दो, सर एक बात बताई नहीं अच्छी भी बुरी बात सर, आपने पैसा लगा जो की फैसिलिटी मिल रही आपको मिल रही है, डेढ़ साल में आई है, ठीक है सर। सर टाइम के साथ सब चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हमें भी बताओ। थैंक यू सर।